70 के संग्राम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरिद्वार का की भगवानपुर विधानसभा सीट का सियासी गणित। इस सीट से अभी कांग्रेस की ममता राकेश विधायक हैं, लेकिन क्या इस बार ममता राकेश को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, आज बात इसी पर। हरिद्वार जिले का भगवानपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसे सुरेंद्र राकेश के परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में ये सीट बसपा के पास थी। 2007 और 2012 के चुनाव में यहां से सुरेंद्र राकेश बसपा से विधायक बने थे, मगर 2015 में सुरेंद्र राकेश का निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई। तभी से ममता राकेश ही सुरेंद्र राकेश की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। करीब 7 साल से ममता राकेश विधायक हैं। लगातार 5 साल से जब से विधायक बनी हूँ, विधानसभा में और बाहर भी, मेडिकल कॉलेज जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सपना था, उस मेडिकल कॉलेज को बनवाने के लिए निरंतर प्रयास किए, लेकिन सरकार मुझे विपक्ष में होने के कारण स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की फाइलों को दबा करके बैठी है, उनके कार्य को पूरा नहीं करा रही। वैबलपुर में मैंने एक डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव भेजा है, वैबलपुर में जमीन भी चिन्हित कर दी गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ममता राकेश का सामना उनके ही देवर सुबोध राकेश के साथ हुआ। सुबोध राकेश ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर ममता राकेश ने उन्हें 2513 वोटों से शिकस्त दे दी थी। एबीपी गंगा के लिए भगवानपुर से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनाव में भगवानपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश की जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध राकेश को 2513 वोटों से हरा दिया था। तो आपको बता दें कि ममता राकेश की जीत यहां पर दर्ज हुई थी, कांग्रेस से वो प्रत्याशी थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध राकेश उनके देवर भी हैं, उन्हें 2513 वोटों से हरा दिया था। और अब आपको भगवानपुर विधायक का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज बनना है, लेकिन विधायक ममता राकेश उसे धरातल पर नहीं उतार पाई हैं। हालांकि ये मामला सदन के अंदर जरूर उठाया गया था। विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें बनवाई गई, मगर उनका काम अधूरा ही है। सिडकुल में नौकरियों में स्थानीय युवाओं का उत्पीड़न होने की बात सामने आ चुकी है। पढ़े लिखे युवा नौकरी नहीं होने से मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, ठेकेदार उनका उत्पीड़न करते हैं। विधायक निधि का पूरा पैसा भी खर्च नहीं कर पाई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विधायक की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। कांग्रेस विधायक ममता राकेश का दावा है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम करवाया है, लेकिन विपक्ष के नेता उन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे भगवानपुर में तहसील भवन बनने की बात हो, और चाहे मक्खनपुर में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से जो आवासीय विद्यालय बना था आश्रम पद्धति पर, उसके भवन निर्माण का सपना हो, निश्चित रूप से उसे पूरा किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, विकास के मामले में वो भगवानपुर विधानसभा में पूरी तरह से फेल हो गई है। 1 साल में 4 करोड़ लगभग निधि आती है, 28 करोड़ लगभग निधि उनके पास अभी तक आ चुकी है। ये जनता का जो पैसा आया है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ लगा है। क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवस्था काम की विकास के नाम पे बिल्कुल ठप है। और अब आपको दिखाते हैं कि भगवानपुर की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे लोग मायूस है। भगवानपुर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की मांग लंबे समय से है, जो पूरी नहीं हो पाई है। भगवानपुर विधानसभा की कई सड़कें बदहाल हैं, जो ठीक नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर बाकी मुद्दों की बात करें तो भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण जो है, ये भी एक मुद्दा है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं करा उसने, ममता राकेश ने कुछ नहीं करा उसने। हमारे यहाँ आ भी रही हैं और आगे भी अच्छा ही कराएंगे। सड़कें इन्होंने मान लिया वैसी तो है ही, जो गांव में या वैसा हो, इन्होंने सड़कें मतलब लोगों के
खेत तक सड़कें पहुँचा दी। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है, बाकी अगर भगवानपुर में पहली तरफ हुआ हो तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, सड़कें वगैरह सब ऐसे ही हैं। विधायक जी का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा है, कर्मठ और लगनशील विधायक है हमारे। हमारे गांव में कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं हुआ जो विधायक के द्वारा ना हुआ हो। ऐसा गांव कोई सा नहीं है जिस गांव में विधायक जी ने काम ना किया हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नाले का हो, चाहे आपका कोई सा विकास हो, चाहे टंकी का हो।